चलिए अब देखते हैं कि जो वार्नर ने अपनी थ्योरी दी थी उसके क्या क्या पॉस्टुलेट्स थे। सबसे पहले वार्नर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर यह बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल मेटल होता है उसकी दो तरह की वैलेंसीज होती हैं। द फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती हैं और ये नॉर्मली सेटिस्फाइड होती हैं नेगेटिव आयंस के द्वारा। ऑन दी अदर हैंड सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है और ये सेटिस्फाइड होती है ऐसे एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स के द्वारा जो या तो नेगेटिव हों या न्यूट्रल हों। प्राइमरी वैलेंसी रिलेटेड होती है मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी रिलेटेड होती है मेटल के कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ, और सेकेंडरी वैलेंसी मेटल के लिए फिक्स रहती है। जो एटम्स और ग्रुप्स सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं का स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब यह है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अलग अलग होगा तो उनका स्पेशियल अरेंजमेंट भी अलग अलग हो सकता है। आइए अब प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हेल्प से समझते हैं। यहां पर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला दिया गया है। इसमें जो भी एटम्स और ग्रुप्स मेटल के साथ यानी कि कोबाल्ट के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि एक तो Cl है और 5 अमोनिया है। इसका मतलब यहां पर टोटल 6 एटम्स और ग्रुप्स मेटल के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए यहां पर कोबाल्ट की जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो होगी 6। और ये ऐसे एटम्स या ग्रुप्स हैं जिनका आयनाइजेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं प्राइमरी वैलेंसी की। ताकि आप देख सकते हैं कि यहां पर ब्रैकेट के बाहर दो Cl- आयंस हैं और यही आयंस आयनाइजेबल हैं, इसीलिए यहां पर मेटल यानी कि कोबाल्ट की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 2 है। तो अब हम कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है और ये ऐसे एटम्स या ग्रुप्स हैं जो कोबाल्ट के साथ डायरेक्टली अटैच हैं और इनको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ऑन दी अदर हैंड कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी 2 है और ये ऐसे आयंस हैं जो आयनाइजेबल हैं और इनको हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा है। इसके बाद वार्नर ने अपने पॉस्टुलेट्स में ये बताया कि दो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला तो सेम हो सकता है लेकिन डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं जिनका फॉर्मूला तो सेम है लेकिन उनका कलर डिफरेंट है। एक का ग्रीन है और दूसरे वाले का वॉयलेट है। वार्नर ने भी अपने इस पॉस्टुलेट में यही समझाने की कोशिश की थी कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी हो सकते हैं जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो सकता है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं, जैसा कि यहाँ पर कलर में डिफरेंस है। तो अब क्वेश्चन ये था कि ऐसा क्यों होता है। तो वार्नर ने इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो ये था कि सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो मॉलिक्यूल्स या एनायंस हैं उनका स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है, यानी कि स्पेस में जो मॉलिक्यूल्स और एनायंस का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो सकता है, और इस डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से ही जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होते हुए भी अलग अलग प्रॉपर्टीज शो कर सकते हैं, और ऐसे ही कंपाउंड्स को आइसोमर कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये ग्रीन कॉम्प्लेक्स है और जो ये वॉयलेट कॉम्प्लेक्स है ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। वार्नर ने अपने पॉस्टुलेट्स में स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब भी समझाया। उन्होंने बताया कि इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्रिकल शेप से, जैसा कि टेट्राहेड्रल। इसका एग्जाम्पल है टेट्रा कार्बोनाइल निकल। दूसरी शेप हो सकती है ऑक्टाहेड्रल। इसके एग्जाम्पल्स आप यहां देख सकते हैं। एंड थर्ड शेप हो सकती है स्क्वायर प्लेनर, जैसे कि PtCl4 2-। वार्नर ने डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बीच के डिफरेंस को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। वार्नर ने समझाया कि डबल सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिनको अगर हम वाटर में या किसी और सुटेबल लिक्विड में डिजोल्व करें तो वो डबल सॉल्ट अपने सभी आयंस का पॉजिटिव टेस्ट देगा, यानी कि हम सॉल्यूशन में उन सभी आयंस का टेस्ट कर सकते हैं जिनसे वो डबल सॉल्ट मिलकर बना था। ऑन दी अदर हैंड
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो वाटर में या किसी अन्य सुटेबल लिक्विड में अपने उन सभी आयंस में डिसोशिएट नहीं होते हैं जिनसे कि वो मिलकर बने थे। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के सॉल्यूशन को लेबोरेटरी में टेस्ट करें तो शायद हमें उन सभी आयंस का टेस्ट नहीं मिलेगा जिनसे कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलकर बना था। ये इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमने एक डबल सॉल्ट लिया है कार्नेलाइट, जिसका फॉर्मूला होता है KCl MgCl2 6H2O, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये डबल सॉल्ट दो सॉल्ट से मिलकर बना है, पोटेशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। अगर हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये अपने सभी आयंस वाटर में देगा। आयंस होंगे पोटेशियम प्लस, मैग्नीशियम 2+ और Cl-। अगर हम इस सॉल्यूशन को लेबोरेटरी में टेस्ट करें तो हमें इस सॉल्यूशन से पॉजिटिव आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन और क्लोराइड आयन का टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसको वाटर में डिजॉल्व करें तो हम देख सकते हैं कि ये सभी आयंस में नहीं टूटा है। आइडियली हमको क्या मिलना चाहिए था, पोटेशियम प्लस, फेरस आयन और साइनाइड आयन, बट रियलिटी में हमें क्या मिला, ओनली पोटेशियम आयन एंड फेरोसाइनाइड आयन। यहाँ पर फेरस आयन और साइनाइड आयन नहीं मिला है। तो हम कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बिहेवियर डबल सॉल्ट से डिफरेंट होता है। वो अपने सभी आयंस को वाटर में या किसी और सुटेबल सॉल्वेंट में लिबरेट नहीं करता है। यहाँ पर पोटेशियम तो अलग हो गया, लेकिन जो फेरोसाइनाइड आयन है वो बिल्कुल वैसा ही है, वो फर्दर डिकम्पोज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हमें केवल दो ही तरह के आयन मिले हैं, पोटेशियम आयन एंड फेरोसाइनाइड आयन। डबल सॉल्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं, मोहर सॉल्ट जिसका फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 और 6H2O। सेकेंड एग्जांपल है पोटाश एलम जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज और 24H2O, जिसे हम KAlSO4 का होल ट्वाइस और 12H2O भी लिख सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं PtCl4 2- एंड NiCO4 यानी कि टेट्रा कार्बोनाइल निकल।